हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में अपना लेसन नंबर एक रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं डिस्कस कर रहे थे। इसमें अपन आज बात करेंगे मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों का दूसरा पार्ट। पिछली क्लास में अपन ने इसका पार्ट ए पढ़ा था, जहां पर मूलभूत इकाइयां व इसकी बात की थी, अपन ने व्युत्पन्न इकाइयों की बात की थी। आज अपन बात करेंगे कि इन इकाइयों को जब लिखा जाता है किसी संख्यात्मक मान के साथ में, तो उनको कम या अधिक करने के लिए अपन कुछ पूर्व लग्न काम में लेते हैं। ध्यान से सुनिए बेटा, कुछ क्या लेते हैं? पूर्व लग्न, जो पहले लगते हैं। कैसे हैं? दोबारा सुनिए, जितनी भी भौतिक राशियों की इकाइयां हैं उनके संख्यात्मक मान को कम या ज्यादा करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? पूर्व लग्न काम में लेते हैं। पूर्व लग्न का मतलब होता है पहले लगने वाला शब्द। तो पूर्व लग्न किस रूप में होगा? ये 10 की घातांक में होगा। किस होगा बेटा? ये 10 की घातांक में होगा। किसमें होगा? ये 10 की घातांक में होगा। क्लियर? अब कैसे होगा? ये प्लस में भी होता है और ये माइनस में भी होता है। जैसे आपके 10 के घातांक, ठीक है, इधर भी लिख दिया अपने 10 के घातांक। प्लस और माइनस दोनों की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, प्लस और माइनस दोनों की बात करेंगे। तो यहां पर होगी अपने पास में पूर्व लग्न, राइट। यहां भी लिख दिया अपने 10 के घातांक और यहां लिख दिया अपन ने पूर्व लग्न, राइट। देखिए बेटा, यहां अपन ने लिखा 10 की घात माइनस एक। इसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं? डेसी काम में लेते हैं, डेसी, DECI, इसका स्मॉल लेटर काम में लेंगे। क्लियर हो गया मामला? ठीक है, 10 की घात माइनस दो, इसके लिए अपन काम में लेते हैं सेंटी, काम में लेते हैं सेंटी, लेते हैं स्मॉल सी। क्लियर? 10 की घात माइनस 3 क्या लेंगे अपन इसमें? मिली, MILLI, काम में लेते हैं स्मॉल m, राइट। 10 की घात माइनस 6 इसके लेते हैं अपन माइक्रो, क्या लेते हैं बेटा? माइक्रो। माइक्रो की स्पेलिंग होगी MICRO, माइक्रो के लिए अपन काम लेते हैं म्यू। 10 की घात माइनस 9 इसके लेते अपन लेते हैं नैनो, NANO, इसके लिए स्मॉल NM, नैनो के लिए स्मॉल N हो गया अपने पास। क्लियर? फिर 10 की घात माइनस 12 क्या हो गया? पीको, क्या हो गया? पीको, PICO, इसके लिखते हैं स्मॉल पी। क्लियर बेटा? तो ये कौन से थे अपने पास में? ऋणात्मक 10 की घातांक और उसके पूर्व लग्न, -1 को डेसी, बी से लिखते हैं, -2 को सेंटी, सी से लिखते हैं 10 की घात माइनस 3 मिली, 10 की घात माइनस 6 क्या हो जाएगा? माइक्रो, 10 की घात माइनस 9 नैनो, 10 की घात माइनस 12 क्या हो जाएगा? पीको। देखिए बेटा, ये डेसी, ये सेंटी, ये मिली, ये माइक्रो, ये नैनो और ये पीको, ठीक है। ऐसे अपने पास में 10 की घात माइनस 1 नहीं, प्लस है। प्लस 1 के लिए क्या लिखेंगे अपन? यहाँ क्या लिखा था अपन ने? -1। अब कौन सा हो गया? +1। तो प्लस के 1 के लिखे डेका, क्या लिखेंगे बेटा? डेका, DECA, राइट। इसके लिए लिखा अपन ने DA, क्या लिखा अपन ने? DA, राइट। फिर लिखेंगे अपन 10 की घात 2, तो के लिए क्या हेक्टा या हेक्टो, इस पहले जाएगी HECTO, इसके लिए लिखेंगे H। 10 की घात 3 के लिए लिखेंगे अपन किलो, क्या लिखेंगे बेटा? किलो, KILO, किलो की हो जाएगी अपने पास में KG, किलो की हो जाएगी अपने पास में KG, ओनली K यूज करेंगे बेटा, यहाँ यूज करेंगे K, यूज करेंगे कैपिटल K।
दसी घात कितनी होगी, छह। छह के लिए अपन क्या यूज करेंगे, गीगा यूज करेंगे, GIGA कैपिटल जी होता है ना, गीगाबाइट मेगाबाइट टेराबाइट राइट। छह के लिए अपन यूज करेंगे बेटा यहां पर गीगा नहीं मेगा करेंगे, अपन क्या करेंगे मेगा, नाम नहीं है ये मेगा, गा है गा नहीं गा, क्या लिखेंगे MAGA कैपिटल M। फिर आएगा अपने पास में नो, इसके लिए यूज करेंगे अपन गीगा, GIGA कैपिटल G। फिर यूज करेंगे दसवीं घात बारह के लिए टेरा, यूज करेंगे टेरा TRA कैपिटल T। आगे बात समझ में, तो देखिए बेटा दसवीं घात एक के लिए क्या यूज किया डेका, इसे लिखेंगे DSA। दसवीं घात दो के लिए हेक्टो, इसे लिखेंगे SA। दसवीं घात तीन के लिए किलो कैसे, दसवीं घात छह के लिए मेगा MSA। दसवीं घात नौ के लिए गीगा कैपिटल G। दसवीं घात बारह टेरा कैपिटल T। ये क्या है अपने पास में दस के घातांक प्लस और माइनस के लिए पूर्व लग्न, जिससे अपने पास में संख्यात्मक मान क्या किए जा सकते हैं, कम या ज्यादा किए जा सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर अपन ने क्या किया, पूर्व लग्न काम में लिए राइट। इसके अलावा और भी जो होते हैं पूर्व लग्न, उनके बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अपने भारत में, इसकी बात करते हैं अपने भारत में जो मानक इकाइयां हैं, इसकी बात करूं मैं, मानक इकाइयां हैं, मानक इकाइयों के बारे में जो जानकारी है वो कहां से दी जाती है, राष्ट्रीय भौतिकी, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, प्रयोगशाला नई दिल्ली। क्लियर? इसको बोला जाता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL नई दिल्ली के द्वारा इसमें मानक इकाइयों की जानकारी दी जाती है। अब देखिए बेटा कुछ इसके अलावा कुछ इकाइयां भी है अपने पास में, जैसे नैनोमीटर आ गया अपने पास में, देखो अपने पास में लंबाई है, क्या है लंबाई है, इस लंबाई को अपन मापते हैं किसमें, मीटर में, मापते हैं बेटा मीटर राइट। अब देखो यहां पर एक मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर राइट, बराबर कितना होता है 10 डेसिमल। क्लियर? इसके अलावा लंबाई के मात्र क्या हो सकते हैं, एक एंगस्ट्रॉम, ध्यान देना बेटा इसको, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 मीटर, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10^-9 मीटर, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10^-12 मीटर, सेंटीमीटर में लिखे तो 10^-8 सेंटीमीटर, 10^-7 सेंटीमीटर, 10^-10 सेंटीमीटर। क्या क्या लिखा अपन ने, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10^-10 मीटर या 10^-8 सेंटीमीटर, एक नैनोमीटर बराबर 10^-9 मीटर या 10^-7 सेंटीमीटर, एक पिकोमीटर बराबर 10^-12 मीटर या 10^-10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसकी बात होगी आपकी लंबाई की। अब बात आती है किसकी, आयतन, इसकी बात आती है आपकी आयतन। उससे पहले अपन बात कर लें द्रव्यमान की, बात कर लें द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है kg। अपन को पता है एक kg बराबर कितना होता है 1000 ग्राम या 10^6 मिलीग्राम, क्या होता है 10^6 मिलीग्राम। क्लियर? लंबाई द्रव्यमान हो गया। अब बात करें किसकी, आयतन की, इसकी बात करें बेटा आयतन की। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, आयतन के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, आयतन क्या लिया था अपन ने, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब मीटर क्यूब,
आयतन का मात्रक क्या है आपका मीटर, राइट। तो इसको अगर अपन को सूक्ष्म मान में लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखो अपन ने भी लिखा था 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हुआ 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हुआ 10 डेसीमीटर। ये किसका है, लंबाई का। इसको अपन किस में बदलेंगे, आयतन के रूप में, आयतन के रूप में। ये किसमें है, लंबाई के रूप में। तो क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे। इससे क्यूब क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 10^6 हो जाएगा बेटा, 10^2 है, 3 × 6 होगी सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 10^3 डेसीमीटर। ये लंबाई में, ये किसमें हो गया, आयतन में। और आप जानते हो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर। क्या होता है बेटा, 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर। देखिए यहां से अपन रिलेशन देखते हैं इसका, मीटर और डेसीमीटर। देखिए ध्यान से समझना, यहीं से चलते अपन। 1 मीटर क्यूब बराबर क्या आ रहा है, 10^3 डेसीमीटर क्यूब। बात सही है, देखो इधर 1 मीटर क्यूब बराबर क्या आ रहा है, 10^3 डेसीमीटर क्यूब। तो यहां से मैं क्या निकालना चाहूंगा, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1/10^3 मीटर क्यूब। सही है, बटे में चल जाएगी, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 10^-3 मीटर क्यूब। और 1 डेसीमीटर किसके बराबर है, 1 लीटर के बराबर। इसका मतलब 1 लीटर बराबर क्या हो गया, 10^-3 मीटर क्यूब। 10^-3 मीटर क्यूब। ये क्लियर है बेटा, ध्यान रखना। यहां पर अपन ने इस सूत्र से मीटर को किसमें चेंज कर दिया, लीटर में, इसमें कर दिया लीटर। अब किसको बारी है, सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा इन दोनों का रिलेशन किसका, देखिए इधर 10^6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10^3 डेसीमीटर। इससे कट जाएगा ये 3 बार, कितनी बार कट गया, 3 बार, ठीक है। तो यहां से 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या आ गया, 10^3 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 10^3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब देखिए बेटा यहां पर अपन जानते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर। 1 लीटर बराबर क्या जाएगा, 10^3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये अपन ने 2 मान हो गए, लंबाई को अपन ने किसमें चेंज किया, आयतन के रूप में, और जो आपका मीटर का डेसीमीटर से संबंध है, सेंटीमीटर का डेसीमीटर से संबंध है, उसको अपन ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, लीटर में। और 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10^-3 मीटर क्यूब। और 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10^3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अपन ने आज कुछ मात्रकों के बारे में बात की है, जिनको अपन को कम या ज्यादा संख्यात्मक मान के रूप में लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके में चेंज कर सकते हैं। अगली क्लास में अपन इनको काम में लेते हुए कुछ न्यूमेरिकल, जो जिसको आप अब तक सवाल बोलते थे, अब यहाँ पे बोलेंगे अपन न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल करेंगे कि कैसे चेंज करना है। जैसे मैंने कहा 2000 लीटर को आप चेंज करो किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। 2000 लीटर को चेंज करो आप किसमें, मीटर क्यूब में। ये सारे आपके परिवर्तन जो है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज इसको आप ढंग से रिवाइज करना, अगली क्लास में आपको ये सारी चीजें काम में आएगी। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।